हेलो फ्रेंड, कुमारी रीमा की रसोई में आप लोग का स्वागत है। आज मैं ड्राई फ्रूट समोसा बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। मैंने उसके लिए लिए हैं इंग्रेडिएंट्स। ये मैदे हैं 200 से 300 ग्राम के होंगे, मैंने दबा दबा करके लिया है। मूंगफली हैं, मखाना, किशमिश, 4-5 इलायची, गर्म पानी और दो से तीन चम्मच के लगभग रिफाइन मैं डाल करके आटा गूँथ लूँगी अच्छे से। आप देख सकते हैं मैंने इसमें बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, दूसरे बड़े बाउल में मैदे को। अब मैं इसमें रिफाइन डालूँगी 1 स्पून 2 स्पून के लगभग, और मैं इसको मिलाऊँगी। मिक्स करने के बाद में मैं इसमें गर्म पानी डाल करके 2 स्पून के लगभग, छोटे वाले स्पून से होंगे, थोड़ा सा और मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी और इसे अच्छे से मिलाऊँगी। इसको आप अच्छे से मिक्स करें, जब मुट्ठी बंधने लगे तब इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी जो मैंने आप लोग को दिखाया है उसे डाल करके सख्त आटा गूँथ लें। आप देख सकते हैं ये बंधने लगा है। इधर मैं तब तक ड्राई फ्रूट जो है उनको मैं गैस ऑन करके इसमें 1 से 2 स्पून के लगभग करके मैं इसमें मखाने, सबसे पहले मैं मखाने भूनूँगी, उसके बाद में मैं बादाम भून करके इसको हल्का सा मिक्स ग्राइंड करूँगी। अब आप देख सकते हैं मैंने बादाम को और मखाना को दोनों को भून करके हल्का सा ग्राइंड कर लिया है और इसको मैंने मिक्स कर लिया है। हल्का ही ग्राइंड करें, तब 1 से 2 सेकंड के लिए ही एक बार ही घुमाएं, उसके बाद फिर निकाल लें इसे। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट और डाल दिए हैं, किशमिश डाल दिए हैं, चम्मच के लगभग नारियल का बुरादा डालूंगी और सबको मैं मिक्स कर दूँगी। इसमें मैंने इलायची के पाउडर भी कूट लिए थे इलायची, और उसको मिक्स कर लूँगी। ये फिलिंग के लिए तैयार हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं मैंने 2 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख दिया था, 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं इसको फिर से गूँथूँगी, इसे मिक्स करूँगी। अब इसकी छोटी छोटी मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी और फिर करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने छोटी छोटी लोइयाँ काट ली है, उसे राउंड राउंड शेप में मैं कर ली हूँ। अब मैं इसको बेलूँगी, आप देख सकते हैं मैंने इसको बेल लिए, अधिक पतला नहीं करना है, थोड़ा हल्का सा मोटा ही रखे। उसके बाद मैं इसको दो भागों में कट कर लूँगी, उसके बाद फिलिंग करूँगी। इधर मैंने गैस रिफाइंड डाल दिया है गर्म होने के लिए, अभी स्लो मीडियम हैंड स्लो फ्लेम पर ही इसका इसको आप बनाएं। बहुत ही खस्ते और बहुत ही अच्छे समोसे बनते हैं। मैं इसे कट करूँगी, पहले मैं इसे फोल्ड करूँगी, यहाँ पानी लगा करके दोनों तरफ से हल्का सा पानी लगा, ऐसे हल्का सा फोल्ड करेंगे, बीचों बीच से फोल्ड करें। ये मिनी समोसे की तरह बनेंगे, ध्यान रखें इसको अच्छे से आप चिपकाएं, पहले फूला नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़े सा टाइम लगता है चिपकाने में, लेकिन इस प्रोसेस को प्लीज आप लोग ध्यान से देखें और अच्छे से इसको चिपकाएं पहले, नहीं तो तलने के समय ये खुल जाएंगे जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। और मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट्स थे उसको मैं फिल करूँगी। अब इसके किनारे किनारे इसको हल्का सा मैं यहाँ पर फोल्ड करूँगी। आप देखिए कैसे फोल्ड मैं कर रही हूँ, उसी तरह आप लोग भी कीजिए। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी समोसे बनते हैं, बिल्कुल नए तरह के समोसे हैं। प्लीज़ आप लोग भी इसे, उम्मीद है बनाएंगे, आप लोग भी इसे प्लीज़ बनाइए और अपने घर पे इंजॉय कीजिए। कैसा बना
बताएंगे। अभी मैं इसको तल करके आप लोग को दिखाऊंगी, तो मैं और दिखा देती हूँ आप लोगों को किस तरह से मैंने इसकी इसको फिल किया है, जो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं इसको पहले डालूँगी, पूरे बीच से आपको इसको सावधानी से उठाना है, फिर इसकी अच्छे से नुकीले बना देना है जो देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। देखिए इसके अंदर कितनी गैपिंग बन जा रही है। इसको फिर मैं इसको फोल्ड करूँगी ऐसे, देखिए ऐसे आप लोग भी फोल्ड किया कीजिए। अब मैं इसके किनारे किनारे पानी लगा लूँगी, हल्का 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 बिल्कुल हल्का सा पानी लगाए, अधिक ना लगा नहीं तो ये गीला हो जाएगा। देखिए अंदर की तरफ इसको दबाते हुए ऐसे लगाए, देखिए है ना, ये बिल्कुल समोसे की तरह, मिनी समोसे की तरह छोटे छोटे हैं। इसी तरह मैं सारे को फिलिंग करूँगी और अभी तलूँगी, जो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो आप देख सकते हैं तेल पूरे गर्म हो चुके हैं, मैंने इसे एक एक करके आप समोसे को डालें और धीरे धीरे पलटें। ये हल्का सा एक तरफ सीख जाएगा, तब मैं इसको पलटूंगी। इसको दोनों तरफ से पलटे, नहीं तो एक तरफ पूरा लाल हो जाएगा। देखिए हल्का सा मेरा तो गोल्डन हो चुके हैं, इसी तरह का आप लोग भी निकालें। ये दोनों तरफ से सीख भी चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने एक दूसरे डिजाइन का भी बनाया है, देख सकते हैं आप इस शेप में भी इसे बना सकते हैं। देख सकते हैं मैंने दूसरे जो शेप आप लोग को दिखा है उसका मैं फिलिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने किस प्रकार से ये बनाया। आप देखिए इसकी कैसे मैं डिजाइन बना रही हूँ, राउंड राउंड करके बनाऊंगी। ये बहुत ही प्यारा डिजाइन है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसको फ्लावर के आकार का आप इसे दे सकते हैं, देखिए आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अभी इस डिज़ाइन का भी डाल सकते हैं, और भी अनेक तरह के डिजाइन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में और दूसरा कुछ बनाऊंगी उसमें मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, और आप लोगों को सिखाऊंगी किस तरह से आप कई तरह के डिजाइन बना सकते हैं समोसे के भी। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये बहुत ही हेल्दी ड्राई फ्रूट है समोसे हैं, इसे आप लोग अपने घर में बनाएं, खाएं और कैसा बना उसे शेयर करें। इसे आप चाहें तो चटनी के साथ खा सकते हैं, तीखी चटनी के साथ, या ऐसे भी आप सूखा भी इसे खा सकते हैं। लेकर के जर्नी के लिए भी इसे आप जा सकते हैं। प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।